ठीक है गाइस, हम लोग सेकंड जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोड मीडियन के बारे में। गाइस, अब मैं बात करूँगा अर्थमेटिकल मीन की, कि अगर न्यूमेरिकल्स अर्थमेटिकल मीन निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है गाइस, अर्थमेटिकल मीन तो इसके अंदर दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और गाइस सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। सबसे पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इससे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन मैन। और गाइज अगर शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स और अपॉन में एन। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी कौन सीरीज है, अगर हमारी सीरीज है गाइज डिस्क्रीट सीरीज है, तो फॉर्मूला लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। और अगर शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन। ये गाइज इसी तरह से हमारा कंटिन्यूस सीरीज है। लेकिन गाइज कंटिन्यूस सीरीज है, यहाँ पर तीन मेथड्स लग सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविशन मेथड। इसमें स्टेप डेविशन मेथड में एक फार्मूला एक्स्ट्रा लगता है, थोड़ा न्यू फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन में आई, ये सॉरी एन और इंटू आई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फार्मूला लगेगा जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग्स ऑफ एक्स और इन अपॉन में एन। और यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ अपॉन में एन। और गाइज यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग और सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ की जो मल्टीप्लाई करके आई है उसका टोटल अपॉन में एन। एन कहाँ से आएंगे, टोटल है ये किसका, फ्रीक्वेंसीज का। उसके बाद इसी के साथ देखते हैं गाइस इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, ठीक है, सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स और अपॉन में एन। ठीक है गाइस, अगर सेकंड सीरीज है डिस्क्रीट, हार्मोनिक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स इंटू एफ और अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं हार्मोनिक मीन के कंटिन्यूस सीरीज में रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटू एफ और अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है गाइस, इस तरह से हमारे जो है मोस्टली टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक ये है गाइस, यहाँ पे कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन। कंबाइंड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स कंबाइंड का मतलब है सभी को मिला के। ठीक है गाइस, अगर हम लोग सभी को मिला के करते हैं तो किस तरह से होगा, कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, तो एक्स बार वन टू थ्री इज इक्वल टू एक्स बार वन इंटू एन वन प्लस एक्स बार टू एन टू प्लस एक्स बार थ्री और इंटू एन थ्री अपॉन माई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। उसके बाद गाइस कभी कभी हमें निकालना पड़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एक फ्यूचर वैल्यू, कि कोई अमाउंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। उसका फॉर्मूला है गाइस पी एन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी वैल्यूज होगी एन वर्ष के बाद। पी जीरो, पी जीरो मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, वन प्लस आर ब्रैकेट और की पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर और यहाँ पे है रेट। ये गाइस कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर रेट नहीं होती है, तो रेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी एन अपॉन में पी जीरो, और यहाँ पे आपको एन लेना है, और ब्रैकेट के बाहर क्या करना है गाइस, ये ब्रैकेट के बाहर भी है प्लस अंडर रूट में भी नहीं है वन। उसके बाद हम लोग गाइस क्या करेंगे, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, की जो एवरेज है उसमें जैसे हमारे तीन एवरेज हैं मीन मोड और मीडियन। ठीक है गाइस, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं और इनका एक रिलेशनशिप है कि जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।